हरि ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। अरे इन दोन रहा न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअ न दे वेश्या के, पाइन तर सोवे, यह देखो हिंदू आई, मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहू, घरी में करे सगाई, बाहर से एक मुर्दा लाए धोए धाए चढ़वाई, सब सखियां मिल जेवन बैठी, घर घर करे बढ़ाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भई साधो दोनों राह न पाई। तो इसका हिंदी में अनुवाद जो है इसमें भी पढ़ते हैं, तो हिंदी में बोल रहे हैं, अरे इन दोनों हिंदू मुसलमान को पता नहीं सूझ तो रास्ता नहीं सूझ रहा, हिंदू अपनी प्रशंसा करता है और गागर को छूने नहीं देता, और वेश्या के पांवों के नीचे सोने में उसे हिचक नहीं या छूत नहीं लगती, यह उसकी हिंदू गरिमा है क्या। मुसलमानों के तो पीर ओलिया हैं, वे मुर्गी मुर्गा खाते हैं और माँ की बहन की बेटी को घर में शादी करके ले आते हैं, बाहर से मरे हुए जीवन मुर्दा बकरा मुर्गा आदि को लाकर उसे साफ करके पकाते हैं, फिर सब लोग मिलकर उसे खाते हैं और उसके स्वाद की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। कबीर कहते हैं, ऐसी पाखंडी हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की हकीकत देख ली है, दोनों को सही मार्ग नहीं मिला। चलिए बढ़िया। हाँ जी, तो हाँ कुछ जी, बोले इसके बारे इसका आप बोल रहे हैं सिंह साहब? हाँ हाँ बोले तो इसमें कबीर साहब जो है वो पाखंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो कैसे पाखंड करते हैं है? इन्होंने हिंदू और मुस्लिम का एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, क्योंकि उस टाइम पे मेरे ख्याल से ज्यादातर यही रिलीजन ज्यादा प्रचलित थे, आज से 500-600 साल पहले, तो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। वो तो बोलते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम है, हिंदू अब किसी कास्ट सिस्टम में फंसे हुए रहते हैं और मुस्लिम लोग हैं वो हिंसा में या दूसरे अपने हिपोक्रेसी में या पाखंड में फंसे रहते हैं। तो जैसे हिंदू बोला कि अब जैसे गागर यानी कि पानी के बर्तन को किसी को छूने भी नहीं देते, जिससे कि वो होना छुआछूत ना हो जाए, और जब वैश्य के पास जाते हैं तो वहाँ कोई जात भी नहीं पूछते, तो वैश्य के साथ कोई कोई छुआछूत का मामला नहीं है, लेकिन ऐसे ये पाखंड हो गया एक तरह का, तो ऐसे हिंदुआई हो गए। और मुसलमानों के बारे में बोला है कि उनके जो औलिया हैं पीर हैं वो नॉनवेज खाते हैं, मुर्गी मुर्गा खाते हैं, और ब्याह में अपने मौसी के लड़की लड़की से लड़के से शादी कर लेते हैं, तो इस तरह से वो भी खाते पीते तारीफ करते हैं, मतलब उनको पता होते हुए भी वो फिर भी कुछ ना कुछ गलत काम करते हैं, जिसको पाखंड के नाम से बोलते हैं। तो कबीर साहब फाइनली क्या बोलते हैं कि दोनों ने ही अभी तक कुछ समझा नहीं है, तो कहे कबीर सुनो भाई साधो दोनों राह ना पाई, दोनों ने ही रास्ता दोनों को नहीं मिला अभी तक, तो इस तरह से बात कर रहे हैं कबीर साहब। बढ़िया, बहुत अच्छा, काफी क्लियर है। और जी इसके पहले वाले पदों में कोई यदि कोई कोई हमारे बीच में कुछ क्लियर नहीं हो तो अपन उस पर भी बात कर लें। इसके पहले आपने है ना, सुरेश जी, नहीं तो पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं ठीक है और फिर उसके बाद
का जैसे किसी की होगी तो ठीक मुझे है, तो मुझे लग इसमें ये लगा कि कबीर साहब ने जो वेरी फाउंडेशन या वेरी डेफिनेशन ऑफ रिलीजन उसको अटैक किया है, और ये है कि जो जो हमने हिंदू मुसलमान का रिलीजियस प्रैक्टिसेस का जो एक वो जो दायरा बनाया है या उसको डिफाइन कर दिया है, वो वही है कि हमारी मान्यताएं, हम उसको वो मानते गए उन्हें परिपक्व करते गए, और वो बन गया हमारा कि हमारे रिलीजन में हमारे धर्म में तो यही होता है। और वहीं पर कि वैसे जैसे हिंदुओं के ऊपर उन्होंने अटैक किया कि हर चीज में मतलब वही जैसे पहले तो जमाने में वही होता था कि जमींदार होते थे और जमींदार सारा काम करवा रहे हैं छोटी सो कॉल्ड छोटी जात वालों से सारा काम करवा रहे हैं, उनकी औरतों के साथ सब कुछ वो भी करते थे, और कहने को कि जी वो तुम छोटी जात के हो, तुमने ये नहीं छूना वो नहीं छूना सब कुछ। तो और छोटी जातों के लिए भी तभी वही हो गया था कि ये तो यही काम कर सकते हैं, छोटी जात के हैं तो ये काम करेंगे, ये उस हमारे बरादरी में नहीं बैठ सकते हर हुआ है। मतलब वहां पर तुम अपना उनसे काम सारा करवा के वो सब कुछ हुआ रहे हो, उसी बर्तन वो तुम्हारे धो रहे हैं और उसी बर्तन में तुम खा रहे हो, तो वो कुछ नहीं है उनके साथ, तुमने वो सब कुछ ही कुकर्म भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसमें तुमने उन्हें छू लिया, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वैसे वो छोटी जात के हैं। तो ये जो वो दोगलापन या वो जो ये सब कुछ भी, और भगवान के आगे तुम सारी वो पूजा प्रार्थना वो सब कर रहे हो उन मंदिरों में, और उन मंदिरों में उनको आने नहीं दे रहे हो, तो और वहीं से उनका वो मंदिर का निर्माण भी उन्होंने ही किया होगा, उसी के अंदर वो ही छोटी जात के लोगों ने ही वो मंदिर भी बनाया होगा, पर जब वो ही लोग उस मंदिर में नहीं घुस सकते तो, और वही मुसलमानों का फिर उन्होंने कहा कि कहने को मतलब वही है मरा हुआ मुर्गा जो भी है बकरा बकरा मरा हुआ उसको धो धा के उसको करके खा रहे हो और वो सब कुछ कर रहे हो प्रशंसा कर रहे हो, और वो मतलब वो कहाँ जो रिलीजन का या धर्म का वो रहा उसमें कुछ बेस तो है ही नहीं, मतलब जो कोई वही है कि जो बातें उस समय होती रही जो ठीक लगा किसी को उस वो करते गए, वो फॉलो करते 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 उसको हमने कह दिया कि यही धर्म है, तो वही सब यही कर्म कांड पाखंडों की बात की है कबीर साहब ने, और कहा एंड में कि दोनों को सही मार्ग नहीं मिला, कि दोनों ने ही नहीं समझा कि मतलब जैसे कहो कि जो सही धर्म यदि की बात कहे तो वही है कि मानवता ही है, यदि आप वही निभा लो सही तो वही है, ये खंडन जो हमने कर लिया अपनी बात पर टिक रह के और हम कट्टरवादी हो गए तो उसके ऊपर अटैक है, मुझे समझ आया सच ठीक है, ये थैंक कपिल जी, कपिल जी आए हैं तो ये कर लेंगे। यू। हाँ जी, बोल हाँ हाँ जी, जय जी श्री कृष्णा। नहीं, कृष्ण बहुत अच्छी तरह समझाया आई थिंक सिंह साहब ने, जमी जी ने, कबीर जी। मतलब यही मेरे को समझ में आ रहा है इसमें कि एक कट्टरपंथी का इसमें व्याख्यान है कि यू नो हर धर्म, पहले उस वक्त रिलीजन था या कास्टिज्म था, तो बेसिकली अपने आप को कैसे प्रूव करें एंड वी आर राइट, वी आर ऑन द टॉप। सो बेसिकली वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मतलब वो बोलते हैं कि हम मंदिर में जाते हैं और बाकी जो दूसरी कास्ट हैं वो कुछ भी खाते हैं कहीं पे भी, दे कैन मैरी एनीवन। बट वो बेसिकली डिफ्रेंशिएट अपने आप को करने के लिए आते हैं, वो हमेशा आई थिंक अपने आप को आगे दिखा रहे थे। मेरे ख्याल से आज भी ये कायम है, और आई थिंक इसमें ये तो आज के दिन में बहुत बड़ा बिजनेस है, ये डिवाइड एंड रूल। और वो बहुत अच्छी तरह आई थिंक ब्रिटिशर्स छोड़ के गए और आज भी इसको अच्छी तरह फॉलो किया जा रहा है, चाहे वो मैटर ऑफ कश्मीर हो जो कभी सुलझ सुलझेगा ही नहीं और सुलझ भी नहीं पा रहा है, और इट्स अ बिजनेस बेसिकली। सो मतलब एक कुछ लोग हैं जो इस तरह की चीजों को, कट्टरपंथी को फॉलो कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं उसमें से फायदा उठा रहे हैं। फायदा और नुकसान शायद मुझे नहीं पता किसका क्या होगा,
बट आई थिंक ये बायस नेचर, बायसनेस इज वेरी बिग बिजनेस, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो कमर्शियल हो. सो आई थिंक कुछ लोगों का वही है कि अपने आप को ही आगे दिखाना है, अपने आप को ही डिफरेंशिएट करना है, और कुछ लोग उसमें से काफी फायदा उठा रहे हैं. तो एक मेरे ख्याल से कट्टरपंथी का थोड़ा एक इसमें बताया गया है कि वी शुड अवॉइड दैट. एक न्यूट्रल, एक सेंट्रल लेवल पे अगर हम काम करें, अपनी लाइफ जिए, तो आई थिंक वो बहुत सिंपली हम आगे बढ़ सकते हैं, और उसमें कोई नुकसान फायदे की फिर कोई बात नहीं आती. हाँ जी, मेरे को इतना ही बोलना था. हाँ जी, विनोद जी बोलेंगे। हाँ हाँ जी, हाँ, मतलब ये जो पहली रूढ़िवादी व्यवस्था थी उसपे कबीर जी ने कटाक्ष किया है, और विमी जी और सिंह साहब ने भी बिल्कुल सही समझाया है। उसमें दो तीन चीजें ऐड करूंगा कि इसमें बेसिकली हिंदू जो छुआछूत करते थे उसकी वजह से काफी सारे ओबीसी या जो भी छोटे जाति के वो अलग हो गए। वो एक बहुत गलत हुआ हिंदू राष्ट्रों के, मतलब हिंदू लोगों के, और मुसलमानों का भी। उन्होंने ये कहा है कि वो बहन बेटियों को घर में शादी करके ले आते, मतलब ये जो दो पंथ है दोनों की जो सबसे बड़ी गलती है जो अभी तक चल रही है, मतलब इतने साल हो गए, 100 साल पुरानी चीज अभी भी वो गलतियां चल रही है, उसके ऊपर कटाक्ष किया है कबीर जी ने। और इसमें आज के अगर कॉन्टेक्स्ट में कहेंगे तो जैसे सरिता जी कहती है कि आवाज उठानी चाहिए, गलती के सामने आवाज उठानी चाहिए, वही वो कह रहे हैं कि जो एक तो निर्बल को बल देना चाहिए, मतलब निर्बल के साथ खड़े रहना चाहिए हमको, और निर्बल को भी अगर एजुकेशन मिल जाती है या उसको सपोर्ट मिल जाता है, गवर्नमेंट का, पुलिस का सपोर्ट मिलता है, तो वो एक आवाज उठा पाएगा, और मतलब कंट्री विल बी अ ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव इन। मतलब जैसे मोदी जी कहते हैं कि सशक्त करना चाहिए गरीबों को, तो वो न्याय प्रणाली को बदल रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड जो काफी मतलब 70 साल से रिक्वायर्ड था उसका चेंज लेके आए हैं। अभी उसको 2 साल और लगेंगे इम्प्लीमेंट करने में, लेकिन वो शुरुआत तो हो चुकी है। तो लॉ एंड ऑर्डर इज द बेस ऑफ द कंट्री, अगर वो स्ट्रांग होता है तो निर्बल को बल मिलता है। तो बस उसी राह में हमारी कंट्री चल रही है, 100 150 साल हो गए, उसके बाद जाके अब कोई उम्मीद की किरण है। तो जो दोनों हिस्सों में इसमें कहा गया है कि गरीबों को आवाज मिलनी चाहिए, निर्बल को बल मिलना चाहिए, उसके ऊपर आज के कॉन्टेक्स्ट में हम कंपेयर कर सकते, यही कहना। थैंक यू। ठीक है, मोना बोलना चाहती हो तो बोलो, नहीं तो फिर मैं बोलती हूँ। नहीं जी, आप बोलो। अच्छा ठीक है, तो सुरेश जी मैं बोल रही हूँ। बिल्कुल. ठीक है, तो ये जो दोहा है, ये दोहा के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी चेतना जिस तरीके से है, तो ये वैश्यावृत्ति तो हमारा जो है मन करता है। सबसे पहले जो वैश्य, जो बताया कि वैश्य के पैरों के नीचे सोने में उसे हिचक नहीं आती, तो हिचक तो जो सारा जो खेल जो प्रकृति का चलता है, हम प्रकृति धर्म निभाने बैठ जाते हैं। और ये जो कबीर का दोहा है, ये भी प्रकृति को लेकर जो है बोला गया है, लेकिन हिचक किसको आनी चाहिए? जो मन प्रकृति के साथ में बलात्कार करने को तैयार है उसको हिचक आनी चाहिए। तो जब हमने अपना सबसे पहला ही अपने आप को, स्वयं को हम भूल गए, जैसे ही चेतना अपने आप को स्वयं को भूल जाती है तो प्रकृति का मिस यूज करने लग जाती है। तो ये सारा जो बलात्कार का जो खेल और ये सब जो चलता है, तो सारा कुछ हो गया लेना देना इसका मन से। तो इसमें जो बोला गया कि उसमें बहन के साथ में हिचक नहीं आती या वो नहीं आती, तो ये सब भी, इसके साथ भी मैं एग्री इसलिए नहीं करती क्योंकि जो ब्रह्मा है, जैसे हमारे उसमें बताया जाता है कि उसमें विष्णु पुराण में, तो उसमें कहते हैं ब्रह्मा ने अपनी बेटी के साथ शादी की, अपनी बेटी के साथ शादी की, तो इस प्रकार से मतलब जो उसकी अपनी स्वयं की पुत्री थी, तो पुत्री क्या चीज हुई? पुत्री हुई हमारा बॉडी, बॉडी हुई ना। तो जब चेतना लेवल पर, और व्यास जी जो थे, व्यास जी जिन्होंने सारे धर्म शास्त्र और सारे सब कुछ लिखा, जिन्होंने गीता लिखी, तो जो गीता को जी लिखने वाले हैं वो इतना बेवकूफ तो होगा नहीं। तो उसने भी जो जो धृतराष्ट्र और पांडु था, और तीसरा विदुर जो दासी पुत्र था, तो दासी पुत्र के साथ में दासी पुत्र भी हुआ उन्हें भी, क्योंकि जो उनकी माँ जो सत्यवती थी, उन्होंने भी उसको बुलाया था कि जो है उनके जो रियल बेटे थे वो दोनों की मर गए थे, तो मर गए थे, तो उन्होंने व्यास जी जो उनकी शादी से पहले पुत्र थे तो उनको बुलाया था,
उनसे उनके साथ में संभोग करने के लिए, कि ताकि वो उनको पुत्र मतलब कोई भी बच्चा पैदा हो तो ताकि वो राज्य भार संभाल सके। तो उसमें 3 बच्चों का जन्म हुआ था, पांडु, धृतराष्ट्र और उसका। तो ऐसा कुछ नहीं है कि प्रकृति के साथ में आप कुछ कर रहे हैं, तो आपकी भावना क्या है, आप किस हिसाब से। यदि आपकी भोग का रिश्ता है प्रकृति के साथ में, तो आप बलात्कार में सभी मनुष्य उतरे हुए हैं। जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं जानेगा, तो तब तक वो कर ही नहीं सकता फैसला। जो भी हम करते हैं ना, हम जैसे गरीब को सपोर्ट किया, उसको किया, तो गरीब भी तो चेतना लेवल पर थोड़ी ना जी रहे हैं, वो भी शारीरिक। हम क्या करते हैं, हीन धर्म को निभाने बैठ जाते हैं। अब हीन धर्म, जिस भी शरीर, जिस जो भी शरीर हमने लिया और वो जिस परिवार में जन्मा, अब वो जो मान्यताएं उस परिवार में चल रही थी, वो ही मान्यताओं में मनुष्य जो है जकड़ जाता है अपनी स्वयं की चेतना में। सबसे पहले तो हमें मंदिर में अपनी चेतना को बिठाना पड़ेगा ना। तो चेतना हमने अलग करी नहीं, हम आ रहा तो मंदिर की मूर्ति खाली ही है, खाली होकर अब प्रकृति का जो है सारा ये भोग जो है चलता रहता है चेतना के लेवल पर। तो जब पहले स्वयं को तो जानो कि आप हो कौन, तब आपके लिए प्रकृति एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट टाइप से बनेगी, और तब आप उसको यूज करेंगे सही। तो ये जागृति तो कभी भी नहीं आने की है, ये तो बहुत करोड़ों में कोई एक आध दो बंदे होते हैं जो इस तरीके की जागृति वाले मनुष्य होते हैं। अब जैसे पीएम मोदी को भी करा जाए, यदि वो इस लेवल पर करके कर रहे हैं ना, तो वो तो स्वयं जो है मुक्त है, लेकिन अब दूसरी जनता क्या जानेगी उस चीज को। तो वो क्या होता है, इंसान अपनी चीजों का मिसयूज, गवर्नमेंट जो अलाउ करती है, तो उसमें भी कितना जबरदस्त मानसिक लेवल पर चलता है कि हम गरीब वाला कार्ड बनवा लें और उसमें जो है हमें भी मिल जाए। तो इस तरीके की तो हम देखेंगे हमारे आसपास सभी सभी जगह ये सारा सिस्टम चलता है। यदि कोई दवाई भी, मेडिसिन भी है, कोई कम रेट पे मिलती है, तो उसमें अमीर भी चाहता है कि उसको मेडिसिन तो कम रेट पे मिल जाए, किसी तरह मिल जाए। तो ऐसे ही जो जब तक मनुष्य की मानवता का मन नहीं ठीक होगा और मन के मन आत्मा में नहीं प्रवेश करेगा, तो तब तक तो ये सब चलेगा ही सारा सिस्टम। बस आप खुद स्वयं जो है मन से दूर हटकर, और आप क्या कर सकते हैं, मैटर वही करती है चीज। तो बस वही है कि जैसे अब मैं हूं, मेरे शरीर की लिमिट है, सब कुछ लिमिट है, लेकिन बस उस लेवल पर मैं अपने स्वयं को मुक्ति की तरफ पर लेके जा सकती हूँ, कि मेरा एक एक कर्म जो है मेरा चेतना के साथ में बलात्कार, वो चेतना जो है मेरी शरीर के साथ में बलात्कार, क्योंकि शरीर को भी जो हम ज्यादा मिस यूज करते हैं वो इसी कारण ही तो करते हैं। तो वो सारी चीजें समय उसमें स्थिति में आएंगी नहीं, दोनों चीजें बैलेंस नहीं होंगी, क्योंकि अलग अलग, दोनों अलग अलग हैं, दोनों पदार्थ मिल नहीं सकते। चेतना कभी भी शरीर के साथ में नहीं मिल सकती, लेकिन हमने जो मतलब मिला दिया, सबसे पहली गलती हम कर देते हैं। अब सबसे पहली गलती को पहले सुधारना पड़ेगा, फिर जाके आप कर्म के लेवल पर ठीक उतरेंगे। तो मैं तो उसी उसी उस पे ही बोलती हूँ। तो उस मेरे लिए तो हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, और इवन कुछ भी आप खा रहे हो, पी रहे हो, नॉनवेज भी खा रहे हो, यदि कोई कहते हैं, बुद्ध ने भी बोला कि मरा हुआ आप उस जीव का मांस खाते हैं, कोई जैसे प्रकृति में है, सपोज कीजिए कि आपके पास में वेजिटेरियन फूड अवेलेबल नहीं है, और इस शरीर की तो रिक्वायरमेंट शरीर मांगता है खाना, तो यदि आपको मरा हुआ कोई कहते हैं पक्षी का, किसी का भी भोजन मिलता है, तो आपको खाना पड़ेगा, तो वो आपने शरीर के लिए करा। तो ये अवेयरनेस होनी जरूरी है मेरे हिसाब से। तो जब तक मनुष्य इस अवेयरनेस में कि मैं चेतना लेवल पर हूँ, शरीर के लिए मैं सिर्फ उतनी ही चीजें प्रकृति से लूं जितनी शरीर को जीवाने के लिए रिक्वायर्ड है, बस, तो तब ये जो है समाज सुधरेगा। अदरवाइज तो ये सारा जो हीन धर्म को जो फॉलो कर रहे हैं ना, उसने ये कह दिया, उसने कह दिया, तो चलती रहेगी सिस्टम। हाँ जी, मैं तो बोल चुकी। हाँ, इसमें जी मैं सरिता जी, जो आपने कहा ना, मुझे बहुत वही बहुत अच्छा लगा कि यही कि जैसे परिस्थिति के अनुसार हमने अपने धर्म को डिफाइन कर दिया, कि जो एक चीज को, बात को पकड़ के हम खड़े हो गए हैं, और उसी को जी यही धर्म है वो करने लगे। वही जैसे जो हमने माना और उसको परिपक्व करते हुए उसको हमने धर्म बना दिया। पर ये जो आप कह रहे हो कि भाई जब आगे यदि भूख लगी है और कुछ नहीं है और वो मरा हुआ पक्षी ही है, तो आप खाओगे, जंगल में सर्वाइव करने के लिए आपको वो करना पड़ेगा। वो जो विदुर का हुआ या उस समय हुआ, तो वो हमारे धर्म में भी हुआ है इसी तरह से। तो तब वो ये कि उसको हमने पकड़ के नहीं खड़े हुए, मतलब पकड़ के किसी चीज को खड़े नहीं होना है, परिस्थिति के अनुसार जो हम कर रहे हैं वहीं तक अपने उसको लिमिट करें। पर प्रॉब्लम नहीं वही है, नहीं समाज में तो यही हो गया एक कि समाज में तो हमने डिफाइन करते गए ना हम हर चीज को। हाँ एक चीज को और क्लैरिटी करना चाहती हूँ मैं, कि ये जैसे जी हम प्रकृतिस्थ, हमारा शरीर है, शरीर है, अब इसमें कोई काम वासना मेरे अंदर उठी, काम वासना हर हर उसको कहा जाता है, जो भी काम शरीर से रिलेटेड जो होता है उसको काम कहा जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो।
तो जैसे पशु पक्षी करते हैं, सब सारा क्रियाक्रम चलता है, प्रकृति लेवल पर चल रहा है। अब उसमें सामने वाला यदि सहमत है और मैं सहमत हूं, तो उस चीज को बलात्कार और वो सब चीजें कैसे कही जाएगी? प्रकृति का खेल है ये, तो प्रकृति का खेल चलेगा ही ना। तो शरीर से यदि सामने वाला मनुष्य का रिश्ता, मेरा रिश्ता सिर्फ चेतना से है, चेतना लेवल से है, प्रकृति सिर्फ चेतना को फॉलो करती है, मैं मन जो है, तो अब मन में यदि सामने वाला एग्री, मैं एग्री, तो उस सिस्टम को करने में क्या बुराई है? ये चीज हमने सुकर्म और दुष्कर्म जो बोले हैं, सुकर्म और दुष्कर्म मैटर करता है, आपका मन किसी को भोगना चाहता है या आपका मन प्रेम में बैठ के उतर के कर रहा है काम? प्रेम क्या चीज होती है? मुझे कुछ नहीं चाहिए तुझसे, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुझसे, तो दोनों पहले उस लेवल पर इकट्ठे आ गए, फिर उसमें जो भी कुछ होता है तो वो कुछ मैटर नहीं करती है चीज। सुकर्म और दुष्कर्म हमारा मन करता है चीजें, तो ये चीजें प्रकृति लेवल पर कुछ भी बुरा नहीं है, सारे खेल चलते ही हैं। आप पशु पक्षी हो तो पशु पक्षी ही हैं हम शरीर के लेवल पर, तो ये चीज समझनी पड़ेगी। हम भी मान्यता में जी रहे हैं कि उसने उस बेटी के साथ में कर लिया, तो वो कोई बुराई नहीं है। यदि बेटी भी एग्री है तो क्या बुराई हो गई? दोनों के शरीर की भूख लगी थी, भूख पूरी हो गई, खत्म हो गई कहानी। अब जैसे ये चीजें मनुष्य नहीं एक्सेप्ट कर पाता ना, ये चीज कर नहीं पाता एक्सेप्ट। ये हम मान्यताओं में जी रहे हैं कि ये संभोग जैसी चीज जो है बुरी है, बुरी नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं होता है। प्रकृति, शरीर प्रकृति का है, प्रकृति में चलती है ये सब चीजें, खेल है ये सारा। भगवान कृष्ण ने भी उसमें बोल दिया था कि गीता में तेरे मारने से मर थोड़ी ना जाएगा कोई, तू 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 कर अपना, उतर उसमें युद्ध में, सही क्रम में उतर। सही क्रम में उतरा, मरे सारे, और पांडव के साइड के भी मरे, लेकिन मरने से, वो कह रहे तेरे मारने से मरेगा थोड़ी ना, क्योंकि जो चेतन तत्व है उसका तो नाश है ही नहीं ना। तो उस लेवल पर हम जिएंगे तो अभी तो समझ आएगी। अब प्रकृति की चीजों को हम मान्यताओं में हम स्वयं जी रहे हैं, उसने उसके साथ, उसके उसके साथ में, तो ये तो चीजें नहीं है ना, ये भी मान्यता है। ये चेतना और पुरुष दो दो काम है। उन्होंने बोला कि मैं जो है गर्भ धारण करवाता हूं, तो गर्भ धारण सिर्फ गर्भ को ही बोला गया, जो मानसिक जो गर्भ हम धारण करते हैं ना विचारों के, वो होता है गर्भ धारण करना। गर्भ यूट्रस नहीं होता, उस हिसाब से गर्भ तो सबको मिला हुआ है, पुरुषों को भी गर्भ मिला हुआ है, लेकिन चेतना भगवान ने, कृष्ण ने चेतना उसको बोला है गीता में, जो परम पुरुष है, परम पुरुष चैतन्य है, चैतन्य आत्मा जो है उसको बोला है। तो जो सारा कुछ जो हो गया, तो उसमें स्त्री पुरुष कुछ मैटर नहीं करता है। तो जो रिश्ते नातों में हम कर लेते हैं, कुछ मैटर ही नहीं होती है ये चीजें, कुछ भी नहीं होती। अब किसी प्राणी को भूख लगी, किसी को कुछ चीज खानी है तो खानी है ही, शरीर ये शरीर का भोजन है। एक 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 उसका भोजन होता है, मन का भोजन होता है, मन में क्या है काम वासना उतरी तो उसका भोजन होता है। तो ये सारा कुछ चारों तरफ से जो दृश्य चल रहा है, ये भोजन ही तो चल रहा है सारा, एक दूसरे को भोजन करके प्रकृति का खेल चल रहा है। मुझे उसमें इन्वॉल्व नहीं होना, बस ये चीज पूरी पता, अवेयरनेस में आप खड़े हो कि मैं नहीं हो रही, मेरा शरीर ही भोग रहा है, बस ये चीज में बस ये जागृति होती है, अदरवाइज थोड़ी ना होती है कोई दूसरी। इसमें जो दो बातें बताई हैं जो कबीर साहब ने ना, वेश्या के पास पाइन तर सोवे, यानी कि उन्होंने यहाँ बताना चाहे कि बाकी जगह हम छुआछूत को विश्वास रखते हैं, जैसे गागर पानी को भी छूने नहीं देते किसी को, नीच जाति के आदमी को ऐसे कुछ बोला जाता है, लेकिन वेश्या से हम उसकी जात नहीं पूछते। एक यह कंपेरिजन है। दूसरा, जो नॉनवेज खाने के बारे में बताया, वो सर्वाइवल के लिए नहीं बताया, यहाँ वो बोल रहे हैं कि स्वाद के लिए खा रहे हैं। यहाँ लिख रहे हैं ना, सब सखियां मिल जेवन बैठी, घर घर कढ़े बढ़ाई, यानी कि वो अपने सेलिब्रेशन के लिए, स्वाद के लिए खा रहे हैं, ना कि सर्वाइवल के लिए। तो इन दोनों में थोड़ा ये फर्क है कि मतलब इसका मतलब हम नहीं है कि हम भी नॉनवेज और सब खाना शुरू करना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं निकलेगा, लेकिन उन्होंने बताया कि स्वाद के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए बात अलग है। सरिता जी ने बात बोली, बिल्कुल सही बोला है कि सर्वाइवल के लिए डेफिनेटली देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट ना कि स्वाद के लिए। तो ये दो चीजें जरा मैं पॉइंट आउट करना चाहता था। हाँ जी हाँ, सुरेश जी, तुमने आप कहा कि हमने मूल तो भाव समझा ही नहीं, मतलब बेस को तो समझा ही नहीं, और हमने ऊपर ऊपर उसके दीवारें खड़ी करते गए, तो वही वहीं पर वही फर्क आ गया ना, कोई सर्वाइवल और कहते हैं स्वाद, तो वही ग्रीड और नीड हर चीज में उसको। ठीक है। अब अपने पास समय मेरे ख्याल से कब तक है इसका?
जूम का प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन हमारा समय का आप लोगों से पूछ लेते हैं, अगर उनको कुछ जल्दी जाना है, कुछ करना है तो। नहीं नहीं कोई बात नहीं जी, सुरेश जी, कर सकते हैं। हाँ आप हाँ जी जिसको छोड़ना तो आपका, दुख में बोला और आपका लोग तो हम तो आपको सुनना चाहते हैं, हम हाँ आपको तो जरूर सुनने चाहते हैं। रोज ही खुद करते हैं पर हमारे बीच में नए साथी श्याक भाई हैं, यदि वो कुछ इस विषय पर कहना चाहें तो। कबीर साहब का पद सुन ही दिया उन्होंने। जी जी नहीं, बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग संवाद चल रहा है और इतनी गहरी बातें आप साथी मिलके कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए, एक मेरा जो अनुभव है कि देखिए, हम आइडियली तो बहुत अच्छी बातें, वसुधैव कुटुम्बकम कितनी अच्छी बात है और कितने हजार साल पहले कही होगी, सत्यमेव जयते, अहिंसा परमो धर्म, ऐसे अगर हमारे और भी ग्रंथों में से निकालते हैं, ऐसी सैकड़ों चीजें हैं जो बहुत ही आदर्श है, बहुत आइडियल है। पर अब हमारी जो रियल लाइफ का डे टू डे प्रैक्टिकल है, रियलिटी है, वो कितनी अलग है। तो मैं ये समझ पा रहा हूं, मैं जो मेरा अपना जीवन का जो अपना अनुभव है, कि इस इन सब चीजों को सच्चाई में कैसे बदलें, वो हमारे परिवारों में, हमारे स्कूलों में, आस पड़ोस में ऐसी क्या प्रक्रियाएं चलाएं, ऐसे क्या चीज करें जिससे ये मूल्य हमारे अंदर आए। देखिए, जो कबीर साहब से हम जैसे साथी जो प्रेरित हुए हैं, कि भी उन्होंने इन निर्गुणी तत्व, इन मूल्यों की बात कही, और हमारा संविधान भी वही कह रहा है। हमारा संविधान क्या कह रहा है कि हम भारत के लोग भारत को ऐसा ऐसा बनाना चाहते हैं, हर नागरिक की गरिमा, स्वतंत्रता, राष्ट्र की एकता, अगर उसका प्रेम प्रेम बल पड़े तो वही हमारी, जो संतों ने, महात्माओं ने, विद्वानों ने, ऋषियों ने जो बातें कही हैं उसी को। तो मुझे तो यही लग रहा है कि एक आइडियली हम बहुत आदर्श की बातें ऊंची करते हैं, करना चाहिए, पर रियलिटी में हम बहुत कमजोर हैं, सच्चाई में बहुत कमजोर हैं। जैसे अब आप सभी साथी ने कहा, विनोद जी ने कहा, सिंह साहब ने कहा, विनी जी, सरिता जी, सब साथियों ने कहा ये बात, है ना। तो आज भी मतलब हमारे देश में हम देख रहे हैं कि आज भी व्यक्ति व्यक्ति के बीच में कई तरह की ऊंच नीच है वगैरह है। तो ये अपना मन के, देखिए मुझे लग रहा है हमें चार जगह बदलाव करना है। मैं बस एक वाक्य खत्म करके, मैं कबीर साहब से और इस तरह के संतों से जो प्रेरित हुआ हूँ, एक तो मुझे स्वयं के अंदर बदलाव करना है। मैं जो बाहर दिख रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ या जो मैं व्यवहार कर रहा हूँ, वो मेरे जो अंदर है वही बाहर आ रहा है। मेरे अंदर जो धारणा है, जो मेरी मान्यता है, मेरे जो मूल्य है, वही मेरा बाहर भाषा में आ रहा है, मेरे व्यवहार में आ रहा है। ऐसे ही हम जो स्पेस, जो हमारा फैमिली है, हमारा स्कूल कॉलेज है जहाँ हम काम करते हैं, हमारे ये जैसे दोस्तों का हमारा ग्रुप है, तो वहां भी एक बाहर का दिखावा है जो बाहर हम करते हैं, एक जो अंदर का होता है। तो कई साथियों ने बहुत सही कहा कि ऊपर के हम कर्म कांड या ऊपर की चीजें तो आपने कर ली, पर अंदर वो नहीं कर पा रहे। तो बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं जो कबीर साहब की वाणी से जो प्रेरित हुआ हूँ, और ये खासतौर पर ये इन सब बातों में, कि हमें एक एक होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन करना है, एक समग्रता से बदलाव करना है हमारे व्यवहार में, हमारे एक तरह से भाव में और हमारे विचार में, थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेवियर होलिस्टिक करना है। अब हम बहुत फ्रेगमेंटेड हैं, हम बहुत खंडित हैं, बटे हुए हैं। सुरेश भाई इस बात को बहुत लगातार कहते रहते हैं। तो कबीर साहब ने एक तरह से ये सारी चीजों को समग्रता से देखा, हमारे धर्मों ने, रिलीजन ने, पंथों ने भी इंसान को बांट दिया है। तो अब कई साथियों ने बहुत सही कहा ना, ये एक इंसान के चश्मे से अगर हम देखें, इंसानियत के चश्मे से देखें, एक मानवीय उस तरह से देखें, वो जो वसुधैव कुटुम्बकम की दृष्टि से देखें, तो मैं तो यही समझ पा रहा हूँ कि जो कबीर साहब ने कहा है उसको हम प्रैक्टिकल में अपने जीवन में कैसे उतारें। जी, थैंक यू सुरेश भाई जी। जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप सभी लोगों ने, अब भूमि जी मैं बोलूं? हाँ जी सुरेश जी, हाँ जी सुरेश भाई, एक लाइन और, मैं जाने से पहले मैं एकदम, मुझे ध्यान आया, आजकल पूरी दुनिया में ब्रेन पे बहुत रिसर्च हो रही है, न्यूरो साइंस, है ना। तो हम कैसे सीखते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, ऐसा क्यों होता है। पिछले दिनों एक अर्थशास्त्री महिला को जो नोबेल प्राइज मिला, तो एक्चुअली हमें थोड़ा सा आजकल ये देखना चाहिए, इंसान ऐसा क्यों है, इतनी वायलेंस क्यों है, इतना अलगाव क्यों है। तो इसके पीछे बहुत रिसर्चेज आ रही हैं,
तो हम ग्रंथों के साथ साथ आज आधुनिक जो हमारा ब्रेन का और जो हम इससे व्यवहार करते हैं, तो मैं बस एक एलिमेंट ये जोड़ रहा हूँ कि हमें इसके साथ साथ क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हम इतना मुश्किल से पैसा कमाते हैं, एक शादी के फंक्शन में दो दो दिन में हम कितना खर्च कर देते हैं या और कर देते हैं वगैरह वगैरह। तो वो मतलब इसका मतलब इंसान जो है एक तरह का रैशनल भी है, पर बहुत सारा इरेशनल और हमारी फीलिंग से भी चलता है। तो ये हमारे इंसान की कॉम्प्लेक्सिटी हमारे ब्रेन फंक्शनिंग से भी आती है, और वो आजकल न्यूरोसाइंस में ये कहते हैं कि हजारों हजारों साल तक इंसान सर्वाइवल के लिए रहा है, तो अभी ब्रेन हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से बाहर जाने में बहुत कल्चरल बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा, बहुत एवोल्यूशन करना पड़ेगा। जी थैंक यू। बहुत बढ़िया शेख भाई ने और आप सभी ने जिस तरह से इस पद के बहाने और ये कहते हैं ये तो कबीर के पदों पर हम जो अध्ययन कर रहे हैं ये इसके सहारे बहुत सारे जो विचार बहुत सी दार्शनिकता बहुत से सुंदर सुंदर बातें समझने और सीखने को मिलती हैं वो इस प्लेटफॉर्म की खूबसूरती है। और निश्चित रूप से इसमें जो विविध विचार अलग अलग तरह के विचार आए तो फिर ये और खूबसूरत होगा। इसमें यदि विविध विचार आए जैसे सरिता जी ने किसी अलग एंगल से कहा, बिमी ने अलग एंगल से कहा, एसपी सिंह साहब ने अलग कहा, विनोद जी ने अलग कहा, तो ये अच्छी बात है कि हम अपने अलग अलग तरह के विचारों का सम्मान करें, उनके विचारों का स्वागत करें। और यदि हमारे मन में कोई तर्क आती है, कबीर साहब के लिए भी ऐसा नहीं है कि कबीर साहब ने जो चीज कह दी है वही फाइनल है ना, उस पर भी यदि हम सवाल उठाएं तो वो भी एक अच्छी बात होगी। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि कबीर साहब ने अलग अलग स्तर पर अलग अलग लोगों से संवाद किया है ना। जैसे जब वो गुरु की बात करते हैं तो गुरु की बात करते हैं, जब वो आम पब्लिक में बात करते हैं तो आम पब्लिक से बात करते हैं, जब वो किसी योगी से बात करते हैं तो उस भाषा में बात करते हैं, जब वो जिस स्तर का जो व्यक्ति जिस तरह से समझ सकता है, कुल मिला के उनका काम था कि एक सत्य को एक डिलीवर करना, समझाना। जैसे आज हम देख रहे हैं कि इतना सारा मीडिया है लेकिन उसके बावजूद भी जो बात किसी के भीतर घुसना चाहिए वो घुसती नहीं, इतने सारे प्रचार तंत्र के बावजूद भी, परंतु उन्होंने उस भाषा का इस्तेमाल किया, उन उदाहरणों का इस्तेमाल किया, उन प्रतीकों का इस्तेमाल किया जिसमें इस देश में रहने वाले अंतिम व्यक्ति जो बिल्कुल आखिरी पायदान पर रह रहा है उस तक वो बात पहुंच जाए, और न सिर्फ पहुंच जाए उसको वो एहसास कर ले और उसके कारण उसके भीतर एक आत्मविश्वास आ जाए। तो ये जो पद कहा गया है वो उनकी एक सामाजिक दशा को दर्शाता है। जैसे उन्होंने सामाजिक रूप से भी कोई चीज कही, दार्शनिक रूप से भी कोई चीज कही, धार्मिक रूप से भी कुछ कही। जब वो धार्मिकता की बात करते हैं धार्मिकता के उदाहरण लेते हैं, जब वो साधना की बात करते हैं तो साधना के उदाहरण लेते हैं। तो वो एक जो संवाद करते हैं वो हर उस व्यक्ति से करते हैं जो उस संवाद को समझ सके। वो हमें कभी भी ऐसी फिलोसफिकल बात हर किसी से नहीं कही, इसलिए उनके उद्बोधन में कहीं अवधूत से कहा है उन्होंने, कभी संतों से कहा है, कभी मनुष्यों से कहा है, और बहुत सारी बातें उन्होंने खुद से कही है ना। तो इसमें उस समय के जो भारतीय समाज था, तो यदि उस समय के भारतीय समाज को हम जानते, हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों की एक ऐसे व्यक्ति की उस समय जरूरत थी जो इन दोनों धर्मों की या अन्य जो भी प्रचलित धर्म थे उनकी वास्तविकताओं को जान सके। तो उनकी वास्तविकताओं में जो विरोधाभास है कभी भी कोई भी धर्म का निर्माण इसलिए नहीं हुआ है कि उसके कारण हम पाखंड पैदा करें, छुआछूत पैदा करें, एक दूसरे को नीची दृष्टि से देखें, एक दूसरे को तोड़ें। निश्चित रूप से उसका जब प्रादुर्भाव हुआ होगा तो वो एक किसी अच्छे कार्य के लिए होगा। लेकिन जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी चीज जब वो बनती है तो समस्या के समाधान के लिए बनती है, लेकिन कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो समाधान ही समस्या बन चुका होता है। यही धर्मों के साथ हुआ। तो इस पद में वो ये कह रहे हैं, जैसे अभी देखते हैं हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक का उद्भव किसी समाधान के लिए हुआ था लेकिन आगे चलकर वो एक समस्या बन चुका है। इसी तरह से प्रत्येक विचारधारा का उद्भव किस सामाजिक किसी समस्या के, मनुष्य के मन की किसी समस्या के
समाधान के लिए होता है, परंतु आगे चल के वो समाधान ही समस्या बन जाता है। तो अब ये जो इस पद में मूल बात है कि हम जो जातिगत अहंकार है जो किसी मनुष्य को मनुष्य से दूरी पैदा करता है ना, अरे इन दोनों राह ना पाई, दोनों को बहुत प्यार से भी कह रहे हैं और ललकार के भी कह रहे हैं। कबीर साहब की खासियत है कि उनकी जो ललकार है वो बहुत मोहब्बत भरी हुई है, अरे इन दोनों राह ना पाई, अरे तुम जो बातें कर रहे हो वो हंस के भी कहते हैं, ये व्यंग करते हैं, अरे इन दोनों राह ना पाई, तुम दोनों जो बातें हमें कर रहे हो उसका विरोधाभास तो देखो, उसके भीतर जो छुपा हुआ पाखंड है वो तो देखो, वो समझा के भी कह रहे हैं, मोहब्बत से भी कह रहे हैं और भीतर ही भीतर ललकार के भी कह रहे हैं। हिंदू आप, हमारा धर्म सनातन धर्म है, हमारा धर्म हिंदू धर्म है, हमारा धर्म सबसे बड़ा है, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा मानने वाले लोगों का धर्म है, वगैरह वगैरह हम बहुत सारी बातें करते हैं, तो उसको भी बहुत प्यार से भी कहते थे कि आप अपनी बड़ाई करते, अपनी जाति का अहंकार जो है, जाति का अहंकार होता है, धर्म का अहंकार होता है, कुल का अहंकार होता है, धन का अहंकार होता है, ज्ञान का अहंकार होता है, तो तरह तरह के अहंकार जो हैं, तो उनको वो व्यंग पूर्वक कह रहे हैं कि अरे इन दोनों, आप दोनों जो अपने आप अपने अहंकार से अपने आप को बहुत ऊंचा बताने का प्रयास कर रहे हो, अरे इन दोनों राह न पाई, हिंदू अपनी करें बड़ाई, वो बड़ी छोटी सी बात कहते हैं कि बड़ाई तो आप अपने शास्त्रों की, अपने ज्ञान की, अपनी परंपरा की न जाने क्या करते, पर एक छोटी सी बात है कि गागर आपकी जो मटका है पानी पीने वाला उसको छूने नहीं देते, क्षुद्रता तो आपके भीतर इतनी भरी हुई है और आप बातें इतनी महान महान करते हो, तो पहले इस क्षुद्रता तो को मिटाओ, बातें महान आपकी होंगी बहुत अच्छी बात है। उसी तरह से वो कहते हैं कि आपको उस, जैसे कि एसपी सिंह साहब ने कहा, बहुत बढ़िया बात कही, कि उससे उनका तात्पर्य यह है कि जब आप किसी स्त्री के पास जाते हो जिसे आप छोटी जाति की स्त्री मानते हैं या ऐसी स्त्री मानते हैं जो जो वेश्या के कामों में जुटी हुई, आज का जो प्रगति वाले वादी सोच है वो जरूर इन बातों के विरोध में जा सकता है और उसमें कोई बुराई भी नहीं है, तो वहां पर आपको कोई जाति नजर नहीं आती, वहां कोई आपको स्त्री को छूने में, आपके घर में कोई स्त्री यदि आपके भगवान जी को छू देती है तो आपको समस्या पैदा हो जाती है, लेकिन जब आप वेश्या के घर जाते हैं उसको उसको छूने में आपको किसी प्रकार की छुआछूत नहीं लगती है। इसी तरह से उन्होंने पैरेलली जो मुसलमान धर्म है उसको कहा कि पीर औलिया मुर्गा मुर्गी, आपके जो पीर पैगंबर जो ज्ञान देते ढूंढते हैं, तो उन्होंने एक अहिंसा की बात की, ऐसे नहीं है जो एक सवाल आया था कि किसी की जरूरत है तो जरूर उसको जिस तरह का भोजन मिलता है तो वो करना चाहिए, परंतु वो कह रहे हैं कि वो समान रूप से इन दोनों धर्म के जो ठेकेदार हैं उनको वो कह रहे हैं कि आप इस तरह के जो कार्य हैं वो आप करते हैं और सब लोग उसका आनंद मनाते हैं, लेकिन अपनी क्षुद्रता को, इस अहंकार को, इसको छोटे छोटे से अहंकारों को, इनको छोड़ने के लिए राजी नहीं है, और इसी तरह से आप दोनों जिस रास्ते पर आपके धर्मों ने आपको जाने के लिए बताया है उस रास्ते पर अपना जाए, इसकी तरफ इंगित करते हैं, इसकी तरफ सचेत करते हैं, इसकी तरह उसको जाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका कभी जो उद्देश्य है वो यह है कि आप अपने मूल तत्व पर तो आइए, अपनी संकीर्णताओं को, अपनी कट्टरताओं को, अपनी दृढ़ताओं को, आपने अपने जो बहुत सारे ऐसे रूल्स बना के रखे हैं उन उन सामाजिक, क्योंकि कोई भी धर्म समाज के लिए होता है, कोई भी धर्म की यदि नियम बनाए जाते हैं या उसमें जो कथा कही जाती है या उसमें जो प्रेरणा दी जाती है वो अंततः मनुष्यों के लिए है, तो मनुष्यों के आचार विचार में यदि परिवर्तन नहीं होगा तो फिर हम उस चीज को नहीं पा पाएंगे। ये मोटे तौर पर वो ये कहते हैं कि आप में अपनी जो जातिगत धर्मगत जो उच्चता है, जो बातें आप करते हैं, लेकिन उसका एक छोटा सा अंश भी आप अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, इस तरह से वो उसको इंगित करते हैं। अब रही दूसरी बात जो इस चर्चा में आई भी, कि हम, बस समय हो गया है, बस एक दो मिनट में खत्म करता हूं, कि इसको जैसा कि शाह भाई ने भी इंगित किया कि इसको हम साइकोलॉजी की भाषा में ये होता है कि इसको हम सेल्फ राइटियस कहते हैं, जैसे सेल्फ राइटियस का मतलब होता है हमारे हम जो कुछ करते हैं उसको कोई ना कोई तर्कों द्वारा उचित ठहराने का प्रयास करते हैं, है ना, जैसे एक चोर भी है यदि वो चोरी करता है तो वो ये ठहराने की कोशिश करता है कि मैंने चोरी इन कारणों से की, उसके अनेक तर्क वो ढूंढ लेता है, हथियारे हैं, आतंकवादी हैं, वो
वो बहुत सारे तर्क ढूंढ लेते हैं कि हमने ये इसलिए किया है। तो इसको ये असल में जो हमारा विकास क्रम है साइकोलॉजी में आत्म मूल्यांकन का और आत्म समझ की जो हमारी क्षमता है उसमें अच्छा एक मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ मनुष्यों में है, किसी गिलहरियों में, कुत्तों में, बंदरों में, मछलियों में ये सेल्फ राइटियस का भाव नहीं होता है। यदि कोई बंदर यदि किसी पेड़ की डाल को नहीं कूद पाया तो वो मानता है कि मैं नहीं कूद पाया, परंतु यदि मनुष्य किसी डाल को नहीं कूद पाया तो मानता है कि मैं इस कारण से नहीं कूद पाया क्योंकि पीछे से मुझे किसी ने डिस्टर्ब कर दिया था। उसका जो सेल्फ राइटियस है वो उसको ऐसे तर्क ढूंढता है जिसके कारण वो अपने आप। इसी तरह से हमारे धर्म में, रिलीजन में, परिवार में, समाज में वो हम क्या करते हैं कि उन सब चीजों के कारण ढूंढ लेते हैं और अपने आप को जस्टिफाई करने के तरीके। तो ये मनुष्य क्रम के जो संघर्ष हैं उसकी वजह से जो हमारा एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट है कि मतलब हम इस तरह के झूठों पर विश्वास करते हैं और इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, वो अलग विषय हो सकता है बातचीत करने का। तो हम हमारे सारे धर्म, हमारी सारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी परंपराएं, हमारी धारणाएं सारी की सारी इस में फंसी हुई हैं कि हम कोई ना कोई विरोधाभास को भी अपना तर्क गढ़कर और उसको सही ठहराने की कोशिश करते हैं। तो कबीर साहब जो हैं वो हमें इंगित करते हैं कि हम इन चीजों को देखें और अपने और इसकी गरिमा को पहचाने के मनुष्य की गरिमा क्या होती है इसको पहचाने। तो मूलतः ये पद एक सामाजिक रूप से सामाजिक व्यवस्था को लेकर इंगित करते हुए उन्होंने प्रकट किया है। और निश्चित रूप से हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे मन में इतना कंट्रडिक्शन क्यों है, हम इतने विरोधाभासों में क्यों जीते हैं, और एक्सरे भी लिए है कि हम क्या ये कर सकते हैं कि रोज रोज अपने जीवन में से कुछ ऐसी चीजें यदि हमारे ध्यान में आती हैं तो थोड़ी समग्रता से देखकर उनको हटाने का प्रयास करें। निश्चित रूप से वो कठिन है लेकिन यदि हम प्रयास करेंगे तो वो निश्चित रूप से ये जो हमारे मन में विखंडन और पाखंड है, जो अंधविश्वास है, जो छुआछूत है, जो इस जातिगत धर्मगत स्त्री पुरुष के जो भेद हैं ये धीरे धीरे मिटेंगे। मूलतः कबीर साहब इस पद में यही बात कह रहे हैं कि हमारे भीतर के जो विरोधाभास हैं उनको हम दूर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। काफी समय भी हो गया, 9:15 हो गया और अब इस पर किसी को कुछ कहना हो, बाकी बहुत सारे विषय खुले हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हम ना सिर्फ कबीर साहब बल्कि अपने पूरे जीवन के बारे में और अपने जीवन को अच्छा सुंदर बनाने के लिए बहुत सारे विषयों पर बात करके और बहुत सारी सीख ले सकते हैं। आप सब सभी ने बहुत अच्छी तरह से इस बात को कहा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप। हाँ मिमी जी, हाँ जी, और किसी को कोई भी कुछ बोलना है, नहीं तो क्लोज करते हैं सेशन। हाँ, मेरे मन में थोड़ी जिज्ञासा थी, ये ग्रुप कैसे बना, और ये बहुत इंटरेस्टिंग मुझे पिछले दिनों सुरेश भाई ने बताया, तो मैंने कहा मैं बिल्कुल ज्वाइन करूंगा। अगर आप 1-2 मिनट में कोई संक्षिप्त, आपका कैसा इंटरेस्ट बना, कैसे आप जुड़े जी। ये ये बिमी आपका बताएंगे। नंबर इसमें ग्रुप में डाल देंगे तो मैं आपको इसमें ऐड कर देता हूँ। हाँ हाँ जी, बिल्कुल, मैं डाल दूंगा हाँ जी, बिमी नहीं बताएंगे। हमारा इंटरेस्ट ऐसे बना नहीं, एक कि हम। सेकंड हाँ जी, हाँ सुरेश जी, ठीक जी, ये डाल देंगे, विनोद जी ऑपरेट करते हैं इस ग्रुप को ना, तो वो है हाँ, तो आप ना इनका नंबर जो है इसमें छोड़ दीजिएगा, ये जो आपको जी, ठीक ऐड किया हुआ है ना तहत कबीर बाड़ी में, तो उसमें कर है। दीजिएगा। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, तो हमारा इंटरेस्ट ऐसे बना कि हम लोग पहले भगवद गीता कर रहे थे और हम सब अलग अलग, मतलब एक हमारे जो स्रोत जो रहे, जो जहाँ से हम कनेक्ट हुए, एक थे प्रेम भाटिया जी, उनके वहाँ उनके उस प्लेटफॉर्म पर थे। ऐसे ही होता था 15 मिनट की हमारे, फिर वहां पर हम मिले, वहां से थोड़ा जैसे हमारे अपने विचारों का हमें लगा, कईयों को लगा कि हम उस वे से एक लाइन में ही चल रहे हैं, मतलब वो जो होलिस्टिक व्यू नहीं आ रहा, तो शुरुआत थी। मतलब उनको भी पूरा पूरा क्रेडिट कि उन्होंने हमें एक साथ लेके आए एक प्लेटफॉर्म पर।
फिर वहां से हम पील आउट हुए, और सरिता जी का ऐसे हुआ कि हमें जब भी वो उन अलग अलग ग्रुप्स में आई, क्योंकि प्रेम भाटिया जी 3-4 ग्रुप्स करते थे, सुबह से मैं कहते 5:30 से शुरू करते थे और 8:30 तक ऐसे कुछ उनके सेशंस रहते थे, तो हम लोग अलग अलग ही थे सब, और कहीं कहीं वो सरिता जी को बुलाते थे, और हम सबको लगा कि सरिता जी के अंदर जो क्लैरिटी है ऑफ थॉट और फिर उसका एक्सप्रेशन वो बहुत अच्छा है। तो फिर सरिता जी को विनोद जी ने रिक्वेस्ट किया कि आप इस तरह से आप कंडक्ट करो, नाउ यू टेक द लीड। तो उस तरह से वो हम लोग सब साथ में जुड़े और हमारा वो गीता का ग्रुप शुरू हुआ। हमने जब भी किया गीता का किया तो इसी तरह से अपने अपनी बात रख के, और उसमें से कुछ हर सभी को हमको सीखने को, मतलब वही अपने वाद संवाद से और कुछ निखर के आया, निकल के आया, तो वो अच्छा लगा। और वो फिर जब गीता हमने फिर से कर ली, मेरे ख्याल से एक ही एक या दो बारी साथ में फिर की इस ग्रुप ने, फिर हमने वो कबीर का एकदम थॉट आया कि उनकी भी कहीं जो भी वो बोल रहे हैं उसमें वही गीता का ही रिफ्लेक्शन है, तो वो वहां से उसमें, अब जैसे अब हम कबीर कर रहे हैं तो हम उसमें काफी बार बीच में बोलते हैं कि जी अच्छा उनको भी, उनका भी शुरू कर सकते हैं कभी, उनका भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सभी ये संतों ने जो बात कही है वो उसका एक मूल तो वही है, और वो समय समय पर वो किस तरह से उन्होंने उस, जैसे कबीर जी ने कहा तो वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में उस समय की भाषा में बताया, तो इसीलिए वो सबको छू गई वो, मतलब वही, तो वही ऐसे हमारे मतलब हम ग्रुप बने और ऐसे हमारा इंटरेस्ट आया। जी, थैंक यू, शुक्रिया। और मुझे बस ठीक है, एक यही और लगा कि मतलब जो सुरेश जी ने भी सारा बताया उसमें, कि वही गीता में भी वही है कि जब आप बिल्कुल खाली होके करोगे कोई डिसीजन लोगे, तो आप कोई फिर तब आप बायस डिसीजन नहीं ले रहे हो, आप किसी की तरफ नहीं हो, खाली होके कोई भी काम आप करोगे तो तब वो होलिस्टिक व्यू आपका आएगा। होलिस्टिक व्यू लाने के लिए किसी चीज का भी पहले क्लीन स्लेट करना जरूरी है, तो हाँ जी, वही गीता आप में भी आता है। चैट में अपना नंबर डाल देंगे तो मैं ऐड कर सकता हूँ, या सुरेश जी को नंबर दीजिए तो वो भी शेयर कर सकते हैं। जी, मैं उनका नंबर डाल दूंगा। जी हाँ ठीक है, समाप्त करें। हाँ हाँ जी, जी, जय श्री कृष्ण। हाँ जी, क्लोज करते हैं। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।